children, how are you? I hope you are fine and I also fine. Today I am going to teach you moral. आज हम आपको moral science पढ़ाने जा रहे हैं. Chapter number 5, the two boys. दो लड़कों की कहानी. Moral science chapter number 5, the two boys. So let's start. The two boys. One day, a day, Jolly fell into the village where Gamma was passing by and heard Jolly call for help. He looked into the well but decided not to help Jolly. एक दिन क्या हुआ, जॉली अपने पास के गांव में कुएं में पास के उसके गांव के पास में कुआं था, उसमें वो गिर गया. गामा और पासिंग बाय एंड हर्ड जॉली कॉल हेल्प. फिर उधर से कौन पूछा रहा था, उधर से गामा पूछा रहा था. उसने जॉली ने गामा को हेल्प के लिए पुकारा, मदद के लिए पुकारा. ही लुक्ड इन द वेल बट डिसाइडेड नॉट टू गो हेल्प जॉली. लेकिन गामा ने क्या डिसाइड किया था, क्या निश्चय किया था कि वह जॉली की हेल्प करने की मदद नहीं करेगा. ही वाज एंग्री, क्योंकि वह नाराज था. बिकॉज वंस जॉली हैज स्टोलन मैंगोस फ्रॉम द फ्रूट ऑर्चर्ड एंड फ्रूट और द ग्रेव ऑफ गामा. अच्छा, उसे क्यों, एक बार जब वह वहां से गुजर रहा था तो उसने कुछ आम चुराए. किसने चुराए, जॉली ने कुछ आम चुरा लिए थे और उसका इल्जाम यानी कि ब्लेम गामा पर लगा दिया था. इसलिए गामा जॉली से नाराज था कि वह उसकी हेल्प नहीं करेगा. अगर वो कोई में गिर गया है तो गिरा जाए, उसको नहीं खाएगा. जॉली लाइफ इन डेंजर, सो गामा हैड ए चेंज ऑफ हर्ट. अब जो जॉली था उसकी जो जान थी, उसकी जान को बहुत खतरा था. तो ही थ्रो अ रोप इनटू द वेल एंड आस्क जॉली टू होल्ड टाइटली. गामा पुल्ड विद ऑल हिज माइट एंड सून जॉली वाज आउट ऑफ द वेल एंड आउट ऑफ डेंजर. जॉली की जान को खतरा था, इसलिए गामा का हृदय जो है वो परिवर्तन हो गया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे अपनी जॉली की मदद करनी चाहिए. तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया. उसने रस्सी को कुएं में फेंक दिया. उसने रस्सी लिया और कुएं फेंका और जॉली को कष्ट करने के लिए कहा. क्या कहा जॉली को, कि गामा ने जब जॉली को रस्सी ली कहा कि इसे कष्ट पकड़ कर रखना. गामा ने अपनी सारी ताकत से रस्सी को पकड़ कर बाहर की तरफ खींचा और जल्द ही जॉली बाहर आ गया और उसका खतरा टल गया. फिर क्या हुआ, इन द इवनिंग एक शाम क्या हुआ, द टीचर कम टू इन्फॉर्म हिम दैट ही कुड अटेंड द स्कूल. एक शाम हिज फीस हैड बीन पेड. द टीचर हिमसेल्फ हैड गॉट ऑल द टेक्स्ट बुक्स फॉर हिम. फिर क्या हुआ, एक शाम को उसके एक टीचर मिले. उसने क्या कहा था गामा से कि तुम्हारी फीस डिपॉजिट नहीं है. द टीचर हिमसेल्फ गॉट ऑल द टेक्स्ट बुक फॉर हिम, ना ही तुमको बुक्स मिलेगी. गामा कैप थिंकिंग अबाउट द वंडरिंग चेंज ऑफ इवेंट. देन टीचर टोल्ड जॉली एंड गामा विद टीयर्स इन आईज एंड प्रॉमिस दैट ही वुड रिपे दिस काइंड डीड. अब गामा जो कि गरीब घर से था, उसकी फीस डिपॉजिट नहीं थी. गामा वाज अ पुअर फार्मर सन एंड जॉली वाज अ वर्क फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली. गामा जो था एक बहुत ही गरीब किसान का बेटा था एंड जॉली ठीक था. वन डे द टीचर आस्क्ड गामा टू स्टैंड आउट द क्लास एज ही हैड नॉट पेड द स्कूल फी फ्रॉम 3 मंथ्स. अगर उसको स्कूल टीचर थे, गामा के स्कूल टीचर थे, उन्होंने 3 दिन के लिए उसको क्लास से बाहर कर दिया कि आप क्लास से बाहर जाओगे, आपकी 3 मंथ की फीस डिपॉजिट नहीं है. ही आल्सो डिड नॉट टेक ऑल द टेक्स्ट बुक, और आपकी नोटबुक भी नहीं डिपॉजिट है, ना ही आपको दी जाएगी. गामा वेंट होम क्राइंग. गामा रोते हुए घर चला आया. Him that Jolly had asked his father to pay school fee and get books for Gamma. अब Jolly के पापा ने क्या किया, Jolly के पापा ने 3 महीने की फी डिपॉजिट कर दी किसकी, Gamma को, और बुक्स भी दिलाए. Gamma ने Jolly को थैंक him and Jolly said. Gamma ने Jolly को थैंक्स बोला, बहुत ही tears आंखों में उसके आंसू भरे थे. उसने अपने फ्रेंड Jolly को थैंक्स बोला. Do not thanks me, मुझे थैंक्स मत बोलो my dear friend. You are very kind to me, तुम बहुत ही दयालु हो. Now I have repaid your helpful deed. तुमने मेरी कितनी बड़ी सहायता की है. You did good to me and you got good to return. मैं तुम्हें जल्द ही यह वापस कर दूंगा. From that day on, Gamma and Jolly become close. उस दिन से Gamma and Jolly बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन गए. तो बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आई? दो बच्चों की कहानी थी, एक जिसका हृदय परिवर्तन हो गया था क्योंकि जॉली जो था उसने चोरी का इल्जाम
ज्वाइन नहीं होगा उनकी हेल्प की। तो इस तरह से ऑलवेज टू गुड हुआ था, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए समय समय पर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर ए बी सी एंड डी इन फेयर नोटबुक में राइट कर दीजिए, ओके। क्वेश्चन आंसर राइट एंड टू वर्ड्स आपको फेयर नोटबुक में राइट करना है। सो बच्चों कंप्लीट योर चैप्टर नंबर 5 द टू बॉयज, ओके, हैव अ नाइस डे, बाय। सुप्रभात बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज चैप्टर नंबर 7 वचन। सो लेट स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। वचन, वचन क्या होता है? वचन मीन्स नंबर, वचन का अर्थ होता है संख्या। बच्चों वचन का अर्थ होता है संख्या, यानी कि एक वचन और दो वचन, बहुवचन। संख्या से हमें वस्तु में एक या अनेक होने का पता चलता है। क्या पता चलता है? एक या अनेक, एक और अनेक। दिए गए वाक्यों को आज हम पढ़ते हैं और उसको समझते हैं कि क्या एक वचन होता है और क्या बहुवचन होता है। जैसे बच्चा किताब पढ़ रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा किताब, बच्चा भी एक और किताब भी एक। तो इससे भी पता चलता है क्या एक संख्या का बोध हो रहा है। एंड बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, बच्चे यानी कि बहुत सारे बच्चे, किताब यानी कि बहुत सारी किताबें। तो बच्चे किताबें पढ़ रहे हैं, बच्चे बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं। पतंग उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है, पतंगे पतंगे उड़ रही है, यानी कि बहुत सारी पतंगे उड़ रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि क्या एक वचन और क्या बहुवचन है। इन वाक्यों में बच्चा किताब पतंग शब्दों से उनके एक होने का बोध होता है। बच्चे पतंगे शब्दों से उनके अनेक होने का बोध होता है। अच्छा, इस प्रकार शब्द के जिस रूप से उनके संख्या में एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन, ठीक है। अब वचन के भेद कितने प्रकार के होते हैं? आप नंबर वचन के भेद दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक वचन और नंबर दो बहुवचन। अब सबसे पहले हम एक वचन के बारे में जानेंगे। एक वचन, अभी जैसा तुमने आपको बताया, एक वचन जिस शब्द से संख्या के एक होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे किताब, दरवाजा, खिड़की, मेज, कुर्सी, नदियां इत्यादि। एंड बहुवचन, बहुवचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से संख्या के एक से अनेक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे किताबें, पतंगे, कुर्सियां, मेजे, नदियां, दरवाजे, खिड़कियां इत्यादि। अब दिए गए एक वचन और बहुवचन शब्दों को हम ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे। जैसे केला, केले, केला हमारा एक वचन में आता है, केले बहुवचन में आता है। बेटा, बेटे, पंखा, पंखे, बकरी, बकरियां, बहन, बहने, माला, मालाएं, गाय, गायें, नदी, नदियां, गेंद, गेंदे। फिर रोटी एक वचन और रोटियां बहुवचन में आता है। गाड़ी, गाड़ियां, लड़की, लड़कियां, रात, रातें, वस्तु, वस्तुएं, पुस्तक, पुस्तकें, बिल्ली, बिल्लियां, अंडा, अंडे, चिड़िया और चिड़ियां। चिड़िया एक वचन और चिड़िया हमारा बहुवचन में आता है। अच्छा, कुछ शब्द एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं, ना एक वचन होते ना बहुवचन, वो समान मात्रा में किए जाते हैं। जैसे फल, साधु, बालक, फूल, अध्यापक, पक्षी, खिलाड़ी, छात्र, आम इत्यादि, ये सब हमारे बहुवचन और एक वचन में समान होते हैं। ऐसे शब्दों के वचन की पहचान क्रिया में होती है। कैसे? जैसे कि आम मीठा है, आम मीठा है, ये एक वचन में आया क्योंकि आम मीठा यानी कि मीठा एक आम के बारे में बताया जा रहा है। आम मीठे हैं, ये किस में बताया जा रहा है? आम मीठे हैं, ये हमारा बहुवचन में बताया जा रहा है। इसी तरह से ऐसे शब्दों में कारकों के अनुसार वचन की पहचान होती है। जैसे बालक एक वचन, बालकों बहुवचन, फल एक वचन,
फलों की बहुवचन। तो इससे हमें ये पता चलता है कि क्या हमारा एकवचन में आता है और क्या हमारा बहुवचन में आता है। अब दिए गए शब्दों में से बहुवचन शब्द पर बोला लगाइए, जैसे किताबें, गाय, मेजे, पतंगे, केले। अब शब्द को जैसे अगर हमें किसी चीज को एक वचन से बहुवचन बनाना है तो कैसे बदलेंगे? रसगुल्ला का रसगुल्ले, नदिया का नदी, इसको हमने एक वचन में बदला है। घोड़ा का बहुवचन घोड़े, बच्चा का बहुवचन बच्चे। तो बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया? बहुत ही इजी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 वचन। वचन मींस नंबर यानी संख्या का बोध होना, एक वचन और बहुवचन होना। सो चिल्ड्रन आपको का खा गा एंड घा नंबर एक्सरसाइज फेयर नोटबुक में करनी है। तो वचन